हमरे माटी हमरे धरती और टीवी देख रहल सब दर्शक लोगन के ई धरती पुत्र बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के नमस्कार बा। संस्कार के जीवन में बड़ा महत्व होला। संस्कार आदमी के पहचान करावेला, मान दिलावेला, ओकरा के महान बनावेला। यही संस्कार के अपना के आपन सपना और उम्मीद के पूरा करे खातिर आज हमरा सामने हॉट सीट पर बैठल बाड़े काल के रोल ओवर प्रतिभागी देवरिया से आयल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अनुराग कुमार पांडे जी, जे 8 सवाल के सही जवाब देके 80,000 रुपया जीत चुकल बानी। यहाँ के मात्र एगो लाइफ लाइन बचल बा। अनुराग जी, आगे का इरादा बा? आगे खेले के इरादा बा सर। आप तैयार बानी? जी सर। ओके, तो हाँ खेलल जाओ। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर दिल के मेल दिमाग के खेल के बनी करोड़पति। तो दिखा जलवा, उठे गर्दा, और आपके खातिर 9वां सवाल 1,60,000 रुपया का। और सवाल बाई, "1786 में बनल पटना के गोल घर एमे से कौन मकसद खातिर बनावल गई रहे?" और आपके ऑप्शंस बा, ए, प्लेग से बचाव खातिर, बी, शस्त्र भंडारण, सी, अन्न भंडारण, और डी, वेधशाला। सर लाइफलाइन ले जाए। लाइफलाइन? जी। स्टॉप वॉच प्लीज। एक लाइफलाइन बचल बा आपके। फोन ए फ्रेंड। फोन ए फ्रेंड। फोन ए फ्रेंड किन से बात करेंगे आप? संतोष श्रीवास्तव। संतोष श्रीवास्तव कहाँ? देवरिया से। देवरिया शिक्षक हैं इंटर कॉलेज में। संतोष श्रीवास्तव जी देवरिया में शिक्षक हैं और आपके मार्गदर्शन दी हैं। उम्मीद बा कि सवाल के सही जवाब दिए हैं। विश्वास बा? पूरा विश्वास बा। पूरा विश्वास बा। गुड। संतोष श्रीवास्तव जी के फोन मिलावल जाए। जी संतोष श्रीवास्तव जी, मेरा नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। प्रणाम। अरे सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। आप शिक्षक हैं, हम शिक्षकों का बहुत आदर करते हैं। आपको सुनकर भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है सर। आप बहुत अच्छे हैं। आपके दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। जी सर। पांडे जी। जी जी, अनुराग पांडे जी। और आप पे उनको बहुत नाज है और आप पे बहुत विश्वास है जी। हम लोग यहाँ के बनी करोड़पति खेल रहे बानी। जी सर। एक जगह आके थोड़ा सा हमनी के अटकाव और भटकाव हो गए बा। ये आपसे बतियों ही हैं जी। सवाल के जवाब मार्गदर्शन आप देव इनका, लेकिन एक हल्का सा नियम बा ई गेम के कि जब आपके सवाल जवाब शुरू हो जाए इनका से जी, तो समय सीमा होगी 30 सेकंड जी। और आपके समय शुरू होता अब। और आपसे बतियों ही है अब अनुराग पांडे जी। हाँ संतोष जी। हाँ, 1786 में पटना का गोलघर जो बना किस मकसद के लिए बना? 1786 में पटना का गोलघर किस मकसद के लिए बनाया गया? अनाज का भंडारण, अन्न भंडारण, प्लेग से बचाव, शस्त्र भंडारण, वेधशाला। हेलो, कंफर्म? हाँ कंफर्म। यस सर। आपके समय क्यों होता है? अन्न भंडारण सी। अन्न भंडारण सी जी। लगा दी ठप्पा। मारी मोहर लगाई ठप्पा। सी, अन्न भंडारण पे मारी मोहर लगाई ठप्पा। और देखल जाओ कंप्यूटर जी महाराज के का आदेश पर। तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के ज़माना में पूर्वी भारत में अकाल देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना खातिर बनावल गए रहे गोल घर पटना में। सही जवाब बा। सर रुआ के एक बात बताल चाहते हैं, बहुत साल पहले रुआ देवरिया आयल एक बार, हाँ, रामलीला मैदान में। अच्छा तो समय रहा 7 बजे आवे के, लेकिन के कारण बस रहा 11:30 या 12 बजे आयल नहीं। अच्छा हमने सब मित्र गलिया मिले रुआ से खातिर 6 बजे हमने खड़ा नहीं हो जा, 6 बजे से 10 बजे वेट करिया, घर के डर लगे घर चले के, नहीं तो मार पड़ी घर पूछी लोग, उसमें हम स्टूडेंट रहे सब जानी, लेकिन रोड से भेंट करे खातिर रात के 12 बजे लुक कर लिया। अच्छा जब आप आपके गाड़ी आयल तब दौड़ के सोचने की कम से कम पैर छू लिया, प्रणाम कर हाथ मिला ले जा, तो 2-4 लाठी हमके सब जगह मित्र ने खाए के पड़ा पुलिस से। आज रउआ साक्षात दर्शन हो गए, केबीसी के हम धन्यवाद है, रउआ के प्रणाम करे। अरे बहुत बहुत अच्छा, एकदम ये डेस्टिनी निर्धारित रहे कि हमने के मुलाकात हो जा, मिले खातिर ना मिल पड़िया, लेकिन या बहुत आराम से मिलने या साथ बातचीत हो गई आपसे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। 10वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बा जी सर, काहे कि इस सवाल के सही जवाब आपके गारंटी कार्ड दे दी, मिनिमम सिक्योरिटी गारंटी कार्ड। एकरा बाद कुछ हो जाए कम से कम यहाँ से 3,20,000 रुपया लेके जाई। आप तो छपरा के मूल निवासी बानी जी। देखिए ये अनुराग पांडे जी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बढ़े, 1,60,000 जीत चुकल बढ़े, देवरिया से आयल बानी, लेकिन मूल निवासी बानी छपरा के। आरा बलिया छपरा घर बा तो कहुना बात के डर बा, तो छपरा के का खासियत बा महाराज? छपरा के भिखारी ठाकुर जी मशहूर बानी, महेंद्र मिश्रा जी, अच्छा राजेंद्र प्रसाद जी रहे प्रथम राष्ट्रपति हमने के देश के। छपरा के मान और सम्मान में हो जाए 10वां सवाल जे दिलाई आपके 3,20,000 रुपया। और सवाल बा ही T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में पहला हैट्रिक कौन क्रिकेटर ले ले रहे? 45 सेकंड समय बा और आपके ऑप्शंस बा ए ब्रेटली, बी जैकब ओरम, सी टीम साउथी और डी लासित मलिंगा। ए ब्रेटली, बी जैकब ओरम, सी टीम साउथी और डी लासित मलिंगा। 27, 26, 24 सेकंड बाद के बाद ठप्पा लगल से पहले अगर आप एग्जिट करेंगे चाहब तो हो सकेला, लेकिन वो ठप्पा लग गया बाद एग्जिट ना हो। सही जी, एग्जिट पक्का पक्का जी सर, ठीक बा। इनका मान सम्मान में एग्जिट बंद करी। अनुराग पांडे जी अलविदा कहते हुए दम खम के साथ 1,60,000 रुपया लेते हुए यहाँ से विदा होते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। असम्मानीय को मौका मिले जी, तब क्या कहती हैं आप? तो ब्रेटली सर, ब्रेटली करती, ब्रेटली। अच्छा ठीक बा, आपके 1,60,000 सिक्योर्ड बा और ब्रेटली ए। कंप्यूटर जी महाराज बताई तो सही जवाब बा कि गलत जवाब बा? बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा मलिंगा के लेकर डाउट होता है सर। जवाब तो सही रहे, लेकिन का भइल कि आपके लाइफलाइन खत्म हो चुकल है। चलिए बधाई होके, मुबारक हो, इनके सम्मान में ताली बजावल जाए और इनका विदा किया जाए। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस। आपकी आशीर्वाद और आपके It's show time and the show must go on। अब खेल के आगे बढ़ावे खातिर बाकी बचल प्रतिभागी लोगन के साथ खेले के पड़ी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो तैयार हो जाएं, नजर स्क्रीन पे गड़ाई। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खातिर आपके स्क्रीन पे सवाल बा ई। हिंदू पंचांग के ई महीनन के शुरू से बाद के क्रम में सजाई, यानी जे महीना पहले आवेला ओकरा पहले और ओकरा बाद के महीना बाद में। और आपके ऑप्शंस बा ए बैशाख, बी सावन, सी फागुन, डी छात्र। समय समाप्त भइल। आई जान लिहल जाओ सही क्रम का बा और सही क्रम बा डी चैत, ए बैसाख, सी सावन और सी फागुन। आई देखल जाओ कितना लोग सही जवाब देले बा और सबसे कम समय में जवाब देले बाड़े राम कृष्ण तिवारी जी। वाह 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 तिवारी, बधाई हो के जे जुगनू के तलाश रहे वो जुगनू मिल गईल। वाह तिवारी जी, जुगनू जी, आई हमनी के मिल के खेलल जाओ। ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर दिल का मेल, दिमाग का खेल, के बनी करोड़पति। थैंक यू। अब हमरा सामने हॉट सीट पर बैठ गए बानी गोरखपुर से आइल शिक्षक राम कृष्ण तिवारी जी। इनका सपना बा अपना गांव में एक छोटा सा घर बनावे के। आई देखल जाओ कंप्यूटर इनके बारे में का कह रहल बानी। हमारा नाम रामकृष्ण तिवारी है। एकदम सबसे बड़ा सपना है। दूसरा हमारा सपना बा एक चार पहिया गाड़ी खरीदल और तीसरा अपने लड़की के नाम में कुछ पैसा जमा करी। बहुत बढ़िया सपना बा। ये बुलंद इरादा और नेक सपना के साथ आप यहाँ आयल बानी, आपके स्वागत बा। और साथे क्यों आयल बा? हाँ, हमारे दोस्त आयल बाटे अशोक कुमार जी। कहाँ बाड़े अशोक कुमार जी भाई? हाँ, नमस्ते। आप इनके दोस्त हैं। खेल के नियम तो आपके मालूम बा ना? जी जी। ओके, आप बतावे की जरूरत बा? फास्ट मोड में। फास्ट मोड में, ओहो फास्ट मोड में। ओके, 1 से 5 तक 30 सेकंड का समय मिली, 5 से 10 तक आपके 45 सेकंड का समय मिली। पहला सवाल दिलाई आपके 1000 रुपया और 15वां सवाल अगर जीत गई तो आपकी दिलाई 1 करोड़ रुपया। बीच में 3 लाइफ लाइन बा, फोन ए फ्रेंड और बा ऑडियंस पोल और साथ साथ बा आपके 50-50। यानी कंप्यूटर महाराज के निहोरा करके गुजारिश करके कोनो दू गलत जवाब के मिटा सकल जाला और हटा सकल जाला। या अब ये बा खेल के नियम, यानी पहला पड़ाव अगर आप आगे बढ़ जाए 5वां सवाल 10,000 रुपया खातिर तो वो हो जाए आपके मिनिमम गारंटी और 10वां सवाल आपके दिलाई 3,20,000 रुपया, वो हो जाए आपके मिनिमम गारंटी। ओकरा बाद कुछ हो जाए ना समय सीमा बा और ना ही आप लड़खड़ाइब तो कोई खतरा बा, काहे कम से कम 3,20,000 रुपया यहाँ से लेके जाएगा। हम लोगों से कुछ कहल चाहते हैं, एक जमाना रहे कि हम टेम्पू खलासीगिरी करी, फिर ओकरे बाद जौन आइसक्रीम होला ओकर खुखा आ कैलकुलेटर बेचत रहनी, फिर घरे घरे घूम के इस तरह ट्यूशन पढ़ावत रहनी। आज उ दिन आ गइल बा कि हम आपके सामने बैठल बाटी। बहुत सफल लोगन के और बहुत लोगन के कहानी ऐसे ही बा। शुरुआत ऐसे ही भइल रहे। एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बड़ा हिंदुस्तान में जिनका नाम के डंका बजेला और आज तमाम दुनिया उनका खातिर प्रार्थना दुआ करता कि वो जल्दी ठीक होके आ जास, रजनीकांत जी। रजनीकांत जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त बाड़े, बहुत पारिवारिक मित्र और मान ली कि हिंदुस्तान में आज के दिन उनका से बड़ा कोनो स्टार नहीं के। हमने तमाम स्टार मिला के जे कुवत, जे रोब, जे रौनक नहीं खे, वो अकेला रजनीकांत के बा। ऐसन रजनीकांत बाड़े, लेकिन उनका शुरुआत कैसे भेल रहे मालूम बा? कूली रहन, फिर कंडक्टर, बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और फिर ऐसन बढ़लन, उफ, आकाश पर पहुंच गए। इतना चमकदार सितारा, इतना दमदार सितारा। ऐसा बहुत लोगों की कहानी बा। जिंदगी में हम भी बहुत स्ट्रगल करनी है, वही बतावे की जरूरत नहीं है। क्या कि अभी हम खेल शुरू करब और आपके सामने बैठल बाड़े राम कृष्ण तिवारी जी। राम कृष्ण तिवारी जी से बड़ा हमारा अटैचमेंट होता, बहुत अच्छा लगता। हम जिंदगी में बहुत स्कूल में गइल बानी और पटना कॉलेजिएट मल्टीपर्पस हायर सेकेंडरी स्कूल, ओकरा पहले हम रही रामकृष्ण मिशन आश्रम स्कूल रहे, वही जाए पढ़नी हम। बहुत बढ़िया स्कूल रहे बच्चा लोगन के। तो आपके नाम बा राम कृष्ण तिवारी जी। तो राम कृष्ण मिशन आश्रम के नाम पे राम कृष्ण तिवारी जी से पहला सवाल कर रहल बानी और आपके खातिर कंप्यूटर पे सवाल बा ई। अगर कोई केहू के बाट जो होता तो वो का कर रहल बा और आपके ऑप्शंस बा सामान उठावत बा, हल चलावत बा, सी दौड़ लगावत बा कि डी इंतजार करत बा। इंतजार करत बा, डी इंतजार करत बा। मारी मोहर लगाई ठप्पा डी इंतजार करत बा पे। सही जवाब, तालियां। आता खुल गइल बा, आता खुल गइल बा, जबरदस्त बोनी हो गइल बा। हो जा दूसरा सवाल। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहल बा दूसरा सवाल और सवाल बा ई। रामायण में किनकर प्राण बचावे खातिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लैले रहन और आपके ऑप्शंस बा ए राम, बी भरत, सी लक्ष्मण और डी शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी के लाख कदी एकदम एकदम मारी मोहर लगाई ठप्पा। शाबाश, मारी मोहर लगाई ठप्पा। सी लक्ष्मण जी के नाम पे। बहुत अच्छे, जीत गई आप 2000 रुपये। हनुमान जी के संजीवनी बूटी के पहचान ना रहे, यही से पूरा पहाड़े उठा के ले हो। ओके, तीसरा सवाल आपके दिलाई 3000 रुपया। फास्ट मोड पर चल रहा बानी और तीसरा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे बा ई। एमे से कौन जीव अपन बच्चा के पेट के थैली में रख के ढोएला और आपके ऑप्शंस बा ए कंगारू, बी डॉल्फिन, सी जॉइंट पांडा और डी गोरिल्ला। ए कंगारू, मारी मोहर कस के कंगारू के। ची ची ची, अरे का कहिया, बहुत टेंडर बा का कहिया। चलिए, मारी मोहर लगाई ठप्पा ए पे। सही जवाब, तालियां। देखिए, आप इनके दोस्त हैं अशोक कुमार जी। देखिए कितना फास्ट और शार्प हैं शिक्षक आपके दोस्त। आप भी सीखिए, जीवन में बहुत काम आएगा। देखिए, चौथा सवाल इनके दिलाई 5000 रुपया और कैसे दिलाई, ऐसे। सवाल बा स्क्रीन पे ई। प्राचीन औषधि के संदर्भ में हर्रा, बहेड़ा और आंवला के मिश्रण के इमे से का नाम दिहल गइल बा और आपके ऑप्शंस बा ए त्रिरत्न, बी त्रिकुट, सी त्रिफला और डी त्रिपिंडे। त्रिरत्न, त्रिकुट, त्रिफला और त्रिपिंड। त्रिफला पक्का? पक्का, मारी मोहर एकदम एकदम, मारी मोहर, मारी मोहर सी त्रिफला पे। ठप्पा लग गइल बा और आप जीत चुकल बानी 5000। अब पांचवा सवाल आपके दिलाई 10000 रुपया। यहाँ तक तो हमने कि फास्ट मोड में बानी, लेकिन उसके बाद हमने चलो थोड़ा सा मोड में आहिस्ता आहिस्ता बोला। हाँ, आज तक सारे खेल में आप जीतते आए हैं, कभी हारे नहीं। यहाँ तक कि मेला में भी आप 1 रुपया 50 पैसा जीत रहे हैं, राइट? कि एक रुपया से पचास पैसा जीते। उसमें हम गए रहनी, एमईएस में एक मेला लगल रहे तो हम लोग पैसा का भाव रहे तो हम गए नहीं 1 रुपया के वह सिक्का लेके आ जौन गोला फेंकल जला, ओकर गोला फेंकनी और 50 रुपया पड़ गई। ओकर बाद पूरा आराम से मेला कहीं कोनो टेंशन नहीं रहे। तो 1 रुपया फेंक के 50 रुपया मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम 50 पैसा समझत रहे हम लोग, कैसन खेल हो गई। अच्छा, 1 रुपया से 50, वेरी गुड। तो आपके खातिर पांचवा सवाल बा, यह आपके दिलाई 10000 रुपया मिनिमम गारंटी और सवाल बा ई। एमे से कौना खेल में खिलाड़ी के वरीयता उनकर बेल्ट के रंग से पहचानल जाला और आपके ऑप्शंस बा ए वॉलीबॉल, बी निशानेबाजी, सी गोल्फ और डी जूडो। मारी डी पे कस के मोहर। अच्छा मारी मोहर लगाई ठप्पा डी पे, चली मारी मोहर लगाई ठप्पा डी पे, और तो देखे की भी जरूरत नहीं खे। आप नहीं खेल रहे हैं, देख रहा हूँ मैं। आप तो देख रहे हैं, क्या जवाब है बोलिए? खेल रहे तो देख रहा हूँ। देख रहा हूँ तो ये जवाब क्या है बताइए? जो टिक मार दिया वो सही है, जो कह रहे हैं सही है, जो शिक्षक जी कह दिए सही है, एकदम सही। आपने कहा सही है, शिक्षक जी ने कहा सही, जनता जनार्दन मान रही है सही है, तो कंप्यूटर बाबा भी कह रहे हैं सही है, तो ताली। अब हो गई आपके मिनिमम सिक्योरिटी हो गई 10,000 रुपया। आप स्कूल में शिक्षक मानिए मैंने, प्राइवेट स्कूल में, बहुत छोटा सा स्कूल है एक, वही में हम पढ़ावे नहीं। अच्छा हाँ, कितना वहाँ पे फैसिलिटीज या इंसेंटिव? बहुत छोटा सा स्कूल है, कोनो फैसिलिटी में ज्यादा नहीं बटे, कोनो विशेष फैसिलिटी नहीं बा। सैलरी कैसे ठीक बा? सैलरी 1,500 रुपया है। ओ अच्छा। अब बचवा में कितना कितना स्टूडेंट्स बागरा में? 150 का पढ़ाई आप? हाँ? आप कहाँ पढ़ावनी? हम गणित पढ़ावनी, विज्ञान पढ़ावनी। गणित? हाँ। हमारा सबसे कमजोर सब्जेक्ट रहे, अभी हमारो कमजोर रहे। हमारे दुबे सर जी अगर देखत हुई हैं तो हम उनकर एकदम आशीर्वाद लहल चाहब। हाँ। श्रीधर दुबे सर जी नाम रहे उनकर। हम बहुत पढ़ने में कमजोर रहनी, बहुत ज्यादा कमजोर रहनी, लेकिन एक साल के अंदर दुबे जब 10 में हमको पढ़ाना था, ऐसा पढ़ाना कि हम गणित के मास्टर हो गई। नहीं वाह दुबे जी, कमाल कर देनी आप। थोड़ा कभी हमरा ऊपर भी कृपा दृष्टि करी। कमजोर तो सब में बानी, गणित में सबसे कमजोर बानी है। खैर दुबे जी, आपके खातिर हम तमाम लोग प्रणाम करत बानी आपके, और आपके खातिर जोरदार तालियां। ओके, 10,000 मिनिमम गारंटी हो गई, दुबे जी के प्रणाम हो गई, हमने ताली बजा देनी। राम कृष्ण तिवारी बैठे बड़े हमने के साथ थे, और 10,000 जीत चकल बानी आप। अब की छठा सवाल, सही जवाब छठा सवाल की दिलाई आपके 20,000 रुपया, और छठा सवाल खातिर कंप्यूटर बाबा के आशीर्वाद से कंप्यूटर जी महाराज कंप्यूटर के स्क्रीन पे पेश कर रहल बानी। और सवाल बा ई, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के संयुक्त रूप से हिंदी में का कहल जाला? समय सीमा बा 45 सेकंड, और आपके ऑप्शंस बा ए ज्ञानेंद्रिय, बी ज्ञान चक्षु, सी ज्ञान सागर, और डी ज्ञान सुधा। ए पे मार दी मोहर, मारी कस के जल्दी से। शाबाश, बहुत जल्दी बा। तो आप ही बोली इतना जल्दी बा, तो ऐसे बोली देख के कि मारी मोहर लगाई ठप्पा। मारी मोहर लगाई ठप्पा ए पे। शाबाश, एकदम सही जवाब। ₹20,000 जीत गए। शादी हो गई बा? हाँ हाँ, 3 साल की एक छोटी सी बच्ची बा हमार। 3 बीवी बा? 3 साल के एक छोटी सी बच्ची, 3 साल के बिटिया भैया। हाउ स्वीट, गॉड ब्लेस। तो शादी हो गई बा। और आपके स्ट्रगल भी चल रहा बा। 1500 रुपए में सब काम चल जाला घर में। हमार मनो ट्यूशन घरे घरे जाके पढ़ानी ओकरे वजह से, या कुछ घरे लड़किया ने ओकन पढ़ानी, तो कुछ यही तरह मैनेज करे पड़ेला। गुड, कम से कम 1 साल के तनख्वाह तो अभी जीत चुके बानी आप। हाँ। रामकृष्ण तिवारी जी, आपके देख के हमके भोजपुरी के एक मुक्तक याद आवता, दुनिया में केहू के नाही मेहनत बेकार बा, जितने दौड़ी उतने पाई यही के बाजार बा, मत सुना कोई के कहल, सुनल अपन लो सहारा, तन की दूर ते दौड़ा हिरना पा जइबो किनारा। वाह। 40,000 रुपया खातिर 7वां सवाल आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ रहा बा, और सवाल बा ई, मशहूर पेंटर एम एफ हुसैन के नाम में एफ का, और आपके ऑप्शंस बा ए फिराक, बी फिदा, सी फैज, और डी फॉर डॉग्स। लाइफलाइन। स्टॉप वॉच प्लीज। फोन ऑफ फ्रेंड। फोन करो। हाँ। किनका से बतिया? हम अपने बड़की दीदी से बतियाई। हाँ हाँ। कहाँ बड़ी? गोरखपुर में ही। अरे वाह, गोरखपुर तो हमरे हमरे हमरा बहुत पसंद बा गोरखपुर। प्रियंका तिवारी। दीदी के नाम बा प्रियंका तिवारी। जी। अच्छा, उनका ज्ञान बा, नॉलेज बा, पेंटिंग के शौक बा उनका। हाँ हाँ, वेरी गुड। भाई प्लीज इनकर दीदी से, प्रियंका तिवारी से बात करवाओ जाओ प्लीज। हाँ प्रियंका जी नमस्कार, मैं शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते सिन्हा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और मैं तो बातचीत करके अच्छा लग रहा है। आपके भैया बैठे हुए यहाँ पे, आपके भाई छोटे बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत न्यारे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे बने, बहुत अच्छा। लेकिन एक सवाल पे आके थोड़े से ही अटक गए हैं। तो इनकी इच्छा थी कि अगर इनकी दीदी से बात कराई जाए तो दीदी इसका जवाब जरूर दे देंगे कि दीदी बहुत अच्छी हैं, गुणी हैं और दीदी पेंटर भी हैं। और अभी जो आवाज़ सुनेंगे आप भैया की सुनेंगे, लेकिन एक छोटा सा एक नियम है, एक कानून है, एक शर्त है, सारी बातचीत 30 सेकंड के अंदर में खत्म हो जानी चाहिए। और आप दोनों का समय शुरू हो रहा है अब। दीदी जी मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन है, उनके नाम में यफ का है, फिराक, फिदा, फैज की फिरदौस। इसका? अरे मशहूर जो पेंटर अभी एक्सपायर हो गए एम.एफ. हुसैन। वो? हाँ। यफ से मकबूल हुसैन। नहीं, फिराक है। यफ क्या है? फिराक है कि फिदा है कि फैज है कि फिरदौस? वो फिराक है। कंफर्म। ए फिराक। लाइफलाइन और बचल बा। 50-50। 50-50? हाँ। ओके, स्टॉप प्लीज। 50-50। कंप्यूटर जी महाराज के आई हमने निहोरा करी, गुजारिश करी कि कोनो दो गलत जवाब के मिटा दी हैं, हटा दी। हैं 22 सेकंड। फिराक नहीं थे, हट गई। ए फिराक रहे, हट गई। अब लाइफलाइन के लिए तीसरा लाइफलाइन भी। हाँ चलिए, तीसरा लाइफलाइन। स्टॉप प्लीज। जनता जनार्दन। जनता जनार्दन के आशीर्वाद यानी ऑडियंस पोल। तैयार हो जाइए आप लोग, आप लोगों की मदद की जरूरत बा इनका। और बताएं का सही जवाब बा। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय खत्म भइल। और 73% लोग कहता कि बी बा फिदा, और ए और सी के दबाद जाए दी। बड़ी 27% लोग कहता डी फिरदौस। बी फिदा। मारी मोहर लगाई ठप्पा। हाँ। बी फिदा पे मारी मोहर लगाई ठप्पा। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जवाब बिल्कुल सही है। मकबूल फिदा हुसैन साहब के जन्म भइल रहे 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र के पंढरपुर में। हाल ही में इनकर लंदन में निधन हो गई, ये सबको ही के पता बा। और आप अच्छा खेलते खेलते आप जीत चुकल बानी 40,000 रुपया। एक तरफ जब बहुत खुशी के बात बा, वहीं दूसरी तरफ लाइफलाइन खत्म। तीनों लाइफलाइन खत्म हो गई। अब जरा सोच समझ के कि एक समय रहे कि आपके पास 1 रुपया रहे पॉकेट में और आज 40,000। बहुत खुशी की बात बा। वो दिन अगर हम आज याद करें तो हमको रुलाया जाला। हम सुबह 7 बजे जाते नहीं, तब वहाँ हम एक जनी प्रेस हीटर बनावत रहनी। पे प्राइस के जगह बात है। 1 रुपया हम रोज सवेरे जाए हुए लेके खाना खा के नाई कबो जाए कबो चाय पी के जाए। ये होके सुबह 7 बजे ट्रेन पे प्राइज के हम वही जाए तो होके ये कि इंट्रोल में सब जानी अपन लोग खाना वाना खा। हमारे लगे वो 1 रुपया रहे, तो हम ये सोची कि अगर हम वो 1 रुपया अगर हम खा लेब इंट्रोल में तो शाम के अगर ट्रेन लेट हो जाए तो हम क्या करब। हम ये सोची कि ओके हम जब शाम के ट्रेन लेट हुई 6, 7, 8 बजे तो हम ओके 1 रुपया के चना भुजा चना नमकीन खा लेब। शाम के हम ये सोची कि अगर 1 रुपया अगर कल दोपहर में ज़्यादा भूख लग जाए तो हम कल दोपहर में खाएब। डेली यह करी जब इंट्रोल में सब अपन जितना दोस्त रहे जो प्रेसीटर बनावे खाना खा तो स्टेशन के पीछे वो कदम के पेड़ रहे, वही जैसे हम कदम तोड़ के वह कदम खा के पानी पी लेते रहनी। पूरा 1 महीना तक हम यही तर कैले रहनी, लेकिन वो 1 रुपया आज तक हमरे लगे अभी भी मौजूद बा, हम आज तक खर्च ना कैले बाटी। अच्छा पिताजी हमारे कहले रहना, देखिए बेटा अगर हार्ड सीट पे बैठिया तो लालच कुछ नहीं, 2000 मिले चाहे 1 करोड़ मिले उससे मतलब नहीं बा, लेकिन जौन इज्जत इमें बाटे उससे बढ़ कुछ नहीं बा। आपके पिताजी के भी बहुत बहुत प्रणाम। वाह बहुत अच्छा लागल। और 1 रुपया आपके संघर्ष जीवन के पहचान बा 1 रुपया, और आज देखी माता पिता के आशीर्वाद से आप 40,000 रुपया जीत गए बानी। अभी आपके खातिर 8वां सवाल, सही जवाब दिलाई आपके 80,000 रुपया। घर से बहुत दूर है मस्जिद, चलो यूं कर लें एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। गोरखपुर से आए राम कृष्ण तिवारी जी के सामने पेश होता 8वां सवाल, जिनका सही जवाब दिलाए 80,000 रुपया, और चेहरे पे तो मुस्कुराहट और बढ़ जाए। तो और मुस्कुराहट बढ़ावे खातिर सवाल पेश हो रहा बा, और सवाल बा ई भारत में 18 साल का महिला एम से का करे या पावे खातिर कानूनी रूप से सक्षम नहीं की। फिर ऑप्शंस बा ए शादी, बी मतदान, सी लोकसभा उम्मीदवारी, और डी ड्राइविंग लाइसेंस। सी पे मार दी मुहर, बेहिचक मारी मुहर कसके एकदम सी पे। कोनो शंका नहीं कुछ ना, सी पे मारी मोहर लगाई ठप्पा। भाई इतना कॉन्फिडेंस रहे आपके, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहानी, एकदम कंफर्ट लेवल तो आपके गद गद हो गए। अरे बहुत बहुत एकदम जवाब सही बा। वाह। और आप कहानी कि आपके बाबूजी कह रहे कि के बनी करोड़पति के हॉट सीट पर बैठना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। एकदम 1 रुपया और 20,000 और 40,000 कोई मायने नहीं, सबसे मायने है यहाँ पे आके अपना मान सम्मान और अपनी पहचान बताना दुनिया को, है ना जी। बिल्कुल एकदम ये हम चाहते हैं कि एक के बनी करोड़पति में चाहे केहू भी होके आ सकेला, एकदम चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके करती दरवाजा खुलल बा और आपके सामने बैठे एक हक बा। हाउ स्वीट, बड़ा बढ़िया। हम देखिए हम आपके बाबूजी के प्रणाम कहनी हाँ, उनका आशीर्वाद बा, आपके माँ के भी आशीर्वाद बा आपके ऊपर, माँ बाप के आशीर्वाद। और आपके सुन के बड़ा खुशी होगी कि ये प्रोग्राम जो बा के बनी करोड़पति एक मंच बा आम लोगों के सपना साकार करे के और आम लोगन के परिवार के एक दूसरा से मिलावे के। और आपके माँ टेलीफोन लाइन पे बाड़ी। माता जी प्रणाम। हाँ। जी प्रणाम। हमारा नाम बा शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है ठीक है। तो इनका आपके बेटा बैठे हुए हैं यहाँ पे। माता जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ माँ हम 80,000 जीत चुकल बाटी, अब और आशीर्वाद तक हम आगे बढ़ी, भगवान के कृपा हो तो जीत जाएगा। हाँ तबियत कैसन बा तोहार? तबियत ठीक बा। ठीक बोला, हम यहाँ ठीक ठाक बाटी। आज सामने ही बैठल बाटी हार्ड सीट पे शत्रुघ्न सिन्हा जी के सामने ही। ठीक है, उनकी कृपा है, उनके दया है। बहुत बहुत आप बहुत अच्छी हैं, आपसे बातचीत हुई, आपका आशीर्वाद मिला और बहुत शक्ति मिली है। आपकी तबीयत जैसे बता रहे हैं ठीक नहीं है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। यही कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना है। प्रणाम। अभी आपके खातिर 9वां सवाल और नौवां सवाल आपके दिलाई 1,60,000 रुपया। और नौवां सवाल आपके खातिर पर्दा प्यार हलबा सवाल बा ई। यह गाना सुन के फिल्म के नाम बताएं। फिल्म देखी ले आप? बहुत कम। हाँ। आए रे, शौक नहीं के? शौक तो बटले बाकी के शौक ना हुई, लेकिन आप तो जनते बाटी कि पढ़ौले से फुर्सत ना मिल पाला हमके, इतना जिम्मेदारी है, यही वजह से हम देख नहीं पाले। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए वही शहनशाह। पहले गीत सुनी, ओकरा बाद हमने ऑप्शन पेश करा। गीत पेश किया जाए। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। और आपके ऑप्शंस बा ए नदिया के पार, बी गंगा किनारे मोरा गांव, सी दुल्हा गंगा पार के, और डी गंगा मैया तो है पेरी चढ़ी। ए पे मार दी मोहर लगा दी ठप्पा, आर या पार। हाँ, माताजी का आशीर्वाद बा। माताजी के आशीर्वाद है, माताजी के नाम पे, पिताजी के आशीर्वाद के साथ, पिताजी के पे हमारी मोहर लगाई ठप्पा। एन वक्त पे आपके पिताजी और एन वक्त पे आपके माताजी के आशीर्वाद मिलल आपके, और आप जीत चुकल बानी 1,60,000। 1,60,000 एक रुपया का सिक्का कहाँ बाजी रख ले बानी आप? हाँ। कहाँ दिखाई? यहाँ नाइबा घर में धले बाटी। दूर। तो अनमोल सिक्का है। हम फ्री के हैं, कहाँ बैठे? काहे ना लेके नहीं आप? वो इतना हमरे करतीन कीमती सिक्का बा, उससे बहुत याद जुड़ल बा। अगर कहीं खो जाए चाहे खर्च हो जाए, हाँ। तो वो हमके सदमा बर्दाश्त नहीं हुई, बहुत तकलीफ हुई, अंतरात्मा में तकलीफ हुई। अच्छा। हाँ। केकरा पास रख ले बानी? वो हमरे लगे जैसे उहे 1 रुपया के बाद हम हमार ख्वाहिश भइल कि हम सिक्का जुटाल शुरू कैनी, और आज हम लगे 130 तरह के सिक्का बा। हम पुराना से पुराना सिक्का जुटावनी और कलेक्शन करनी। बहुत पुरान सिक्का हम धैले बाटी अपने लगे। बहुत जन लोग अना कहना कि हमके दे दा, लेकिन ना, हम वो लोग उनसे लेने सिक्का, बदले में अगर उससे ज़्यादा लोग मंगे तो हम दे देव, लेकिन हम पुरान सिक्का के शौकीन हो गए नहीं दिन से, चाहे कुछ हो जाए वो सिक्का के ना बदलब ना, कोनो कीमत पे ना। वाह, बड़ा खुददार आदमी बानी आप। जमीर बेचकर जिंदा रहूं ये नामुमकिन, जमीर बेचकर जिंदा रहूं ये नामुमकिन, मैं अपने आप से दंगा करूं ये नामुमकिन, जमाना तुझको मसीहा कहे ये मुमकिन है, मैं तुझको मसीहा कहूं ये नामुमकिन। ठीक बाना, एकदम खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुशामद और चमचागरी का होखेला, कौनो कीमत पे, सिद्धांत के बाद बा। वेरी गुड, बहुत बहुत आपके बधाई होके, गॉड ब्लेस यू। और अब आपके खातिर 10वां सवाल हम पेश करब। अरे ले बोलैया हुटरवा हुट कर दीस, यानी कि इशारा हो गई खेल रोके के, बट शो मस्ट गो ऑन। रामकृष्ण तिवारी कल के रोल ओवर प्रतिभागी, प्रतिभाशाली, भाग्यशाली रही हैं, इनके साथ खेल आगे जारी रही। जाते जाते हम यह कहब, वक्त जब जख्म को नासूर कर देता है, इंसान को अपनों से दूर कर देता है, वैसे चाहता है कौन तन्हाइयों में जीना, वक्त हमें जीने को मजबूर कर देता है। ये वक्त के मजबूरी हमरो साथ भी बा। तो आज अपन बिहारी बाबू के धरती पुत्र के दही इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, जय हिंद। पौराणिक मान्यता के अनुसार एमे से कौन जगह पे सीता और उर्मिला के ससुराल बा, और आपके ऑप्शंस बा ए मथुरा, बी अयोध्या, सी इंद्रप्रस्थ और डी विदेह।